अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ सबसे खतरनाक चीज बता रहा हूँ, पूरे रिवीजन क्लास का भी समझ लो ये खतरनाक आइटम है। और ये चीज मतलब अगर आप कर डाले सच में बताऊं तो इससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई चांस बचता नहीं है जो कभी कोई करेगा, ठीक है ना। एनआरसी कमेटी में कितने डायरेक्टर चाहिए? कमेटी में मिनिमम तीन, और तीन ये कितने भी रहे मिनिमम तीन। मतलब अगर मान लो एनआरसी में कितने डायरेक्टर होंगे? मिनिमम पांच। तो हाउ मेनी पीपल बी इंडिपेंडेंट? तीन। कैसे बोला? क्योंकि मिनिमम हाफ क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब अपन जो करने वाले हैं एक बार मैं लिख दूं क्या एक बार, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। हाँ यहां पे आइए, अब ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बोर्ड में कितने डायरेक्टर हैं? बोर्ड में 10 डायरेक्टर्स हैं। अगर कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। और कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड। कितने लोग चाहिए होंगे? लिस्टेड है तो टॉपिक का नाम क्या है? कितने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? कंपनी लिस्टेड है तो वन थर्ड। वन थर्ड मतलब फोर। और कंपनी का अनलिस्टेड है तो टू। बराबर? कोई डाउट किसको इसमें? वन बाय वन चलेंगे, ठीक है ना। पहला मैं कर दूंगा पूरा, पहला मैं कर दूंगा, बाद में सेकंड के बाद आप चालू करेंगे। पहला वाले में टोटल 10 है, 10 का वन थर्ड 3.33, मतलब फोर चाहिए कौन से? एज पर अगर कंपनी लिस्टेड है तो, अनलिस्टेड है तो टू चाहिए। ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर है? चार। व्हाट इज द रूल ऑफ ऑडिट कमेटी? जितने भी कमेटी में होंगे उससे उसकी मेजोरिटी कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट मेजोरिटी, मतलब कितने? थ्री। वेरी गुड। और एनआरसी कमेटी में कितने लोग हैं? पांच। इसका हाफ चाहिए क्या? इंडिपेंडेंट, तो तीन। क्वेश्चन ये है, आप ध्यान सुनिएगा, मैं आपको ये क्या करा रहा हूं, मैं आप अभी आपसे पूछूंगा मैं क्या करा रहा हूं। व्हाट इज द फाइनल फिगर आंसर? अगर कंपनी कौन सी होगी? लिस्टेड, तो कितना आंसर आएगा? फोर। और कंपनी अगर अनलिस्टेड तो कितना आंसर आएगा? थ्री। ये क्या किया आपको बता सकता है अब तक किसी ने कि क्या किया मैंने? लास्ट कॉलम में मैंने लिखा है एल मतलब लिस्टेड, लिस्टेड में चार, अनलिस्टेड में तीन। मैंने क्या कराई है अभी तक के? ठीक है ये तो, ठीक है ये तो ऊपर में लिखा भी हुआ हेडिंग में कि कितने नंबर चाहिए। और कुछ मुझे इसका लॉजिक चाहिए कि मैंने क्या करवाया, क्योंकि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए भी, एक नॉलेज शेयरिंग के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आप क्या चेक करोगे? सेक्शन 149। और वो जितना चाहिए उतना रखोगे आप। मेरे को लगता है कि आपने तीन पॉइंट लिखने चाहिए, और तीनों पॉइंट में जो हाइयर होगा अगर आपने वो रख डाला तो तीनों पॉइंट फॉलो हो जाएंगे, और कल जाके एग्जाम में तीनों पॉइंट का रेलेवेंस करके आ सकता है। क्योंकि आधे लोग नहीं बोलता, 99% लोग, पता है व्हेन वी से हाउ मेनी पीपल शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लोग कौन सा सेक्शन देखेंगे? 149। लिस्टेड है तो वन थर्ड, अनलिस्टेड है तो टू। बट आपको साथ में यह भी देखना है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मजा चालू होने वाला है, तो सिर्फ एक डेमो था पहला वाला। अब दूसरा देखिए, कंपनी में 15 डायरेक्टर्स है, लिस्टेड है तो कितने? फाइव। अनलिस्टेड है तो दो ही। कमेटी में कितने लोग हैं? ऑडिट कमेटी में 10। कितना होना है? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब सिक्स। एनआरसी में 9 लोग हैं, 9 का हाफ 4.5 मतलब पांच। पांच। अगर कंपनी लिस्टेड है तो कितना आंसर आएगा? सिक्स। और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो भी सिक्स। कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। सेकेंड वाला समझ में नहीं आया? लास्ट समझ में नहीं आया? लास्ट ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइनल फिगर, वापस से बताता हूँ लास्ट क्या है। लास्ट ये है कि, अच्छा वापस से बताइएगा, ये फिर से करते हैं, ठीक है ना। कितने डायरेक्टर कंपनी में है? 15 डायरेक्टर से कंपनी में। व्हाट द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? वन थर्ड ऑफ द टोटल बोर्ड मतलब पांच। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड है तो, अनलिस्टेड है तो दो। यहां पे कोई डाउट किसी को भी है? वन बाय वन चलते, ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में शायद भाग रहा हूँ मैं तो, वन बाय वन चलते हैं। पांच और दो, ये कोई डाउट किसी को? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी भी होंगी, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सीपीडी तो लगी क्या, तो कंपनी में ऑडिट कमेटी भी होंगी। ऑडिट कमेटी का रूल क्या है? कमेटी का मेजोरिटी, अगर 10 है तो 10 का मेजोरिटी क्या होता है? पांच तो नहीं हो सकता, 6 होगा, तो 6 रहेंगे कमेटी में, ठीक है। और व्हाट इज एनआरसी कमेटी? उसमें 9 लोग हैं, रूल क्या बोलता है? कम से कम हाफ होंगे, हाफ मतलब 4.5, 4.5 तो नहीं होंगे, 5 होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं लास्ट कॉलम में सुनिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ये पढ़ेंगे तो कितना पॉइंट करेंगे? पांच। ये देखोगे तो 6 पॉइंट करोगे, और ये देखोगे तो 5 करोगे, तो आपने कौन सा पॉइंट करना है? वो नहीं, 6 मत बोलो, वो करो जो कि हाईएस्ट हो, जिससे कि बाकी सारे फॉलो हो जाए।
अब मुझे बताओ, अगर आपने सिर्फ ये कॉलम पढ़ा, लेफ्ट साइड वाला, कौन सा वाला, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, और अगर आपने उसको देखिए क्या अपॉइंट कर दिया, पांच, तो हैव यू फॉलोड 149? यस। हैव यू फॉलोड 177? तोड़ डाला सर आपने 177, तोड़ दिया आपने, क्योंकि 177 में कितने डायरेक्टर चाहिए इंडिपेंडेंट? छह चाहिए थे। इसलिए आपने वो चूज करना है ये तीनों फुलफिल हो, और मैंने किसको सर्कल मारा, सिक्स को। तो अगर कंपनी कौन सी हो, अनलिस्टेड, तो भी छह रखो, और अगर अनलिस्टेड है तो भी छह रखो। क्यों छह रखो? क्योंकि अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो फिर दो या छह या पांच, छह ही रहिए, क्योंकि अगर आपने कंपनी कौन सी होगी अनलिस्टेड, और अगर आप कितने इंडिपेंडेंट रखोगे, दो रखोगे, तो आर यू फॉलोइंग दिस? यस, बट यू आर ब्रिचिंग दिस टू पॉइंट्स। अच्छा, अगर आप पांच रखोगे तो आर यू फॉलोइंग एनआरसी कमेटी? यस। इफ यू आर कीपिंग फाइव, ये भी चल गया, बस ये टूट गया। तो बेस्ट क्या करना है, आपने तीनों पढ़ने के बाद जो हाइयर है वो रखना है, और आंसर आएगा छह और छह। अब क्लियर हो गया? अब आंसर कोई देगा नहीं, मैं पूछता हूं, देखते हैं कितने को समझ में आया, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर थ्री, डायरेक्टर कितने हैं? 18, ठीक है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? संचित। 18 कितने हैं कॉलम में? छह बाजू में, जल्दी जल्दी बाजू में कितना आएगा? कंपनी लिस्टेड है तो छह, अनलिस्टेड तो दो, ठीक है। और महेश्वर, महेश्वर ऑडिट कमेटी में 12 कमेटी के मेंबर्स है, कमेटी के मेंबर्स 12 है, कितने मेंबर्स आएंगे महेश्वर? सात आएंगे, वेरी गुड, सात आएंगे। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अनूप। एनआरसी कमेटी में 15 लोग हैं, आठ आएंगे, आठ आएंगे। बात खत्म हो गई? कौन सी कमेटी, कितने लोग रखोगे कमेटी में? आठ लोग रखोगे। आपको सब कुछ धीरे समझ में आ रहा, सबको आ रहा समझ में? आठ रखोगे, आठ रखोगे तो क्या होगा, आप एनआरसी भी फॉलो कर रहे हो, ऑडिट कमेटी सात बोलती है, मैं सर आठ रखता हूं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये छह बोला था सर, वहां भी आठ रख रहा हूं, यहां पे आठ, यहां पे भी आठ, वहां भी आठ, क्यों? क्योंकि कंपनी का अनलिस्टेड होंगी तो दो रखोगे कि आठ रखोगे? आठ ही रखनी पड़ेगी सर। सबको समझ में आ गया? ये बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, कितना बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तीन अलग टॉपिक्स को आपको मर्ज करके पढ़ना पड़ रहा है, और ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि एक बात सुन लेना अच्छे से, प्रोफेशनल लेवल से कंपनी हट चुका है, ये सबको मालूम ही है, अलग अलग उन्होंने लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव बढ़ा दिया है, वो चाहते हुए कंपनी ढंग से अभी पढ़ लो एक बारी, क्योंकि प्रोफेशनल में आपको प्रैक्टिकल पढ़ाने वाले, जैसे कि ड्यू डिलीजेंस, जैसे अभी आपको हाउ टू चेंज रजिस्ट्री ऑफिस, ये नहीं पढ़ाएंगे फ्यूचर में प्रोफेशनल में, वो बोलेंगे चेकलिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीजें चेक, अभी आपको अजम्पशन क्या होगा कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस चेंज करना आता है, वो पढ़ लिया आपने एग्जीक्यूटिव में, और आपको चेकलिस्ट बनानी है, ड्यू डिलीजेंस, ऑडिट, ड्राफ्टिंग, आपको बकायदा रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने आएंगे, अभी आपको सब प्रैक्टिकल हो जाएगा फ्यूचर में। अजम्पशन ये है कि कंपनी लॉ आपने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पढ़ा है, आप सीएस में कंपनी लॉ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आप समझ लो आईसीएसए क्या चाहता है, इतना खतरनाक पूछ लू आपसे कि आपको सब आता है कि नहीं आता, क्योंकि प्रोफेशनल में हम नहीं चाहते फिर किसी बंदे से कंपनी लॉ पूछना, और कंपनी लॉ फाइनल है हमारा ये वाला। अब सोच लो आप सर लेवल क्या हो सकती है, और आपने सुना होगा बच्चे को, किसी भी बच्चे को, कभी किसी ने बच्चे जो प्रोफेशनल में होगा, सीएस प्रोफेशनल में, हैव यू हर्ड एनीवन क्विटिंग सीएस इन प्रोफेशनल लेवल? जो बंदा सीएस प्रोफेशनल में, सुना होगा कभी दोस्तों से, अरे सीएस प्रोफेशनल में तीन अटेम्प्ट लग गए मैं छोड़ रहा हूं टाइप्स? नहीं, प्रोफेशनल में ना के बराबर मिलेंगे आपको, एग्जीक्यूटिव में आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में वो चेक कर रहे हैं आपसे। प्रोफेशनल में जो बंदा पहुंचा है वो बंदा सीएस छोड़ने के लायक वाला बंदा नहीं पहुंचा। मैं आपको इससे डरा रहा हूं बोलो, या समझा रहा हूं बोलो, वार्निंग दे रहा हूं समझो, जो बोलना बोलो, बट ये सब मैं जो करवा रहा हूं ये सब इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका लेवल ऊपर तक जाए। सिर्फ एनआरसी पढ़ना अकेले में मजा, एसी पढ़ना इजी है, ऑडिट कमेटी पढ़ना अलग है, अलग अलग सब अपने अपने में मजा आती है, बट सर ऐसे अकेले में पढ़ता ही नहीं है कोई, क्योंकि रियल लाइफ में थोड़ी ऐसे होने वाला है। जो आप सोचो जरा, आपने अगर सिर्फ अकेले में ये पढ़ा और अपॉइंट कर दिया, आपने नॉन कंप्लायंस कर दिया कंपनी में, सोच लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि आपके ऑडिट कमेटी में पंगे हो जाएंगे, बराबर। चलो आखिरी दो और कर लेते हैं। आप देखो, आपने देखा अब तक जो तीन क्वेश्चन पढ़े आपने, अब तक के ऊपर के तीन एग्जांपल, वहां पे नॉर्मली कौन से डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं आखिरी आखिरी वाले कॉलम के, आप थोड़ा उल्टा करेंगे, कितने कमिटी में मेंबर है, बोर्ड में कितने लोग हैं, 14, 14 का 1/3 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 ही आएगा, 5 एंड 2, 6 का मेजोरिटी 4, 5 का मेजोरिटी हाफ
तीन, तो अब अपन किसको गुणा मारेंगे, पांच को। तो अब पांच रखिए, अगर पांच रखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो ये भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि अगर छह में पांच रहेंगे तो चलेगा ना ऑयल कमिटी में, अरे बहुत चल दौड़ेगा, और यहां पर भी छह में पांच रहेंगे तो दौड़ेगा, पर सर ये तीन और तीन चुन लिया तो ये पंगे हो जाएंगे, तो सर खत्म बस। अब तो सब, अब तो शायद सबको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, कोई है तो बता दे एक बार अभी, क्योंकि इसके बाद अगर बच गया मतलब फिर अगेन इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, कि अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया सर हो क्या रहा है। लास्ट ऑप्शन 14 का वन थर्ड पांच, दो, पांच का वन मेजोरिटी तीन, आठ के मेजोरिटी, हाँ चार भी ले सकते हैं ठीक है, बट मेजोरिटी बोला है ना अपन ने, हाफ बोला है ना, नहीं 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 एक मिनट, अरे हाँ हाफ तो है, नॉट लेस देन हाफ, ठीक है चलो, मतलब ये दिख रहा हूं कि भैया हाफ की संख्या पे, ऐसा ना हो कि भैया हाफ से ज्यादा रख सकते हैं, अच्छा ऐसा है, कहाँ गया भाई ये रहा, ठीक है तो चार, फिर वही आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, डन, समझ में आ गया इसी है, ठीक है। ये एक सिंपल सा टेस्ट था, मतलब आप समझ लो अगर तीन क्वेश्चन मिलाकर पूछ लिया आपने एग्जाम एग्जाम में भी, तो भी एग्जाम पूछे नहीं पूछे देखो अपना काम तो हुआ ही नहीं, अपना ये कि भैया कभी चार के सामने, चार लोगों के सामने बैठो तो आप चारों में सबसे ज्यादा सुपीरियर दिखो, बाकी तीन बोलते बैठे भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को सिर्फ एक ही सेक्शन पता, एक बार में एक ही पूछ, तीन मत पूछ मेरे को, मैं पकड़ा जाता हूँ, बाकी लोग पकड़ा जाएंगे। अपन ने सारे क्वेश्चन मेजरली दो तीन में क्या पढ़े, तीन सेक्शन को चिपका के पढ़े, बाकी लोगों को एक बार में बोलते एक बार में एक ही पूछ, मेरे से डबल काम नहीं होता, मैं ये तो 137 बताऊंगा तो फिर 96 बताऊंगा, अपन बोले नहीं सर मैं तो, तू दो तीन और लेके आ मैं सब मिला था, अपने पास वो सब आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही होगा और केस लॉ यही होता है, इसको केस लॉ बोलते हैं, यही केस लॉ है और कोई केस लॉ नहीं है। थ्योरी पेपर कौन सा होता है, व्हाट इज ऑडिट कमिटी एक्सप्लेन इन डिटेल, वो थ्योरी पेपर हो गया, और व्हाट इज केस लॉ पेपर, केस स्टडी पेपर, कि सर इस कंपनी में इतने इतने लोग हैं बताइए कितने इंडिपेंडेंट रखे जाए, फिर आपको सबको स्टडी करते हुए कुछ चूज करना बेस्ट वाला आंसर।